Thank you. लिमिट्स में देखिए, कहीं अगर लिखा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो कहीं अगर लिखा हुआ है साइन एक्स अपान एक्स टू एक्स अपान साइन आर टू एक्स, ऐसा कहीं पर भी लिखा हो साइन आर फोर एक्स अपान फोर एक्स, एक्स टेंडिंग टू जीरो मतलब एक जीरो की तरफ बढ़ रहा है, उसके बाद के एक्स अपान साइन ऑफ के एक्स, ये सब वन होता है, ये सब वन होता है। उसी तरह कहीं लिखा होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स अपान एक्स टू एक्स अपान टेन टू एक्स, सब में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो है, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वो चीज मेंशन है। 3x upon tan 3x and limit x tending to 0 tan of x cube, एंगल में अगर 0 0 बन रहा है तो ये 1 ही होगा, ठीक है। और कहीं लिखा हुआ है limit x tending to 0 cos x, ये 1 होता है, limit x tending to 0 cos of 4x, अगर इस एंगल में 0 रखेंगे तो इसकी cos 0 कितना होता है 1, तो cos 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो ये भी 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos of kx, ये सब 1 हो जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सिंपल सिंपल हम प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x लिखा हुआ है, साइन 3x लिखा हुआ है, साइन 5x लिखा हुआ है, टेन एक्स है, टेन 2x है, टेन 8x, एक्सटेंडिंग टू 0 साइन 4x है, साइन x बाय 2 है, टेन स्क्वायर 3x है, cos x है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 2x है, टेन की पावर 3 5x है, और टेन की पावर 4x है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर 2x टेन क्यूब 4x साइन 4 3x टेन की पावर 5x एंड साइन क्यूब 4x एंड टेन ऑफ 4x, जरा इसकी वैल्यू निकालनी है, जरा देखिए कैसे निकलेगी, नोट कर लीजिए। चलने दो, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी में आपके यहाँ लगभग ये मान के चलिए 2 से 3 प्रॉब्लम लिमिट की आती हैं, और कंटिन्यूटी की भी 2 से 3 प्रॉब्लम, डिफरेंसिबिलिटी की 2 से 3, मतलब अराउंड 9 to 10 प्रॉब्लम रहेगी लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा मोनोटोनिसिटी, तो इनकी ये मान के चलिए करीब 10 to 15 प्रॉब्लम आपके यहाँ पूछी जाएंगे। लिखते चलिए भाई फटाफट,
इधर लिख लिया तो इरेज कर दे इस तरफ, ये मिटा दे। देखिए लिमिट में एक चीज और भी, आप सबसे पहले जब स्टार्ट करते हैं तो इनडिटर्मिनेंट क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है मीनिंगलेस। जैसे कहीं पर जीरो अपान जीरो लिख दें, इनफाइनाइट अपान इनफाइनाइट लिख दें, इनफाइनाइट की पावर जीरो लिख दें, जीरो की पावर जीरो लिख दें, वन की पावर इनफाइनाइट लिख दें, वन की पावर या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट लिख दें, तो दीज ऑल आर इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट मतलब जिसको कि हम एक मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं बता सकते, मतलब इसका क्या मतलब, मीनिंगलेस चीज़ें हैं इनडिटर्मिनेंट। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को सिंप्लीफाई करके उसके लिमिटिंग वैल्यू हम निकालते हैं। लिमिट की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ती है, कभी ऐसे रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इसको हम हॉस्पिटल से सॉल्व कर लेते हैं, सीरीज एक्सपेंशन से सॉल्व कर लेते हैं, तो कैसे भी करके इसकी एक हम वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, समझ रहे मेरी बात। तो ये बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम हमने लिखी है आपको, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, लिमिट में इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। अब जैसे पहली प्रॉब्लम है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है, अगर एफ एक्स अपान जी एक्स हो तो अलग अलग चाहे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स, एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ जी एक्स। अब लिमिट लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो चाहे कंबाइंड लिख दे चाहे एक्सटेंडिंग टू जीरो ऑफ एफ एक्स।